नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अतुल टेक यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सब्सक्राइब बटन कैसे बनाते हैं। तो जी हां, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से काइन मास्टर से आपको बताएंगे कि आपको लाइव डेमो के साथ दिखाएंगे कि आपको सब्सक्राइब बटन कैसे बनाना है, वो भी लोगो और नेम के साथ आपको लाइव डेमो के साथ दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में शो हो रहे बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि जब हम कोई ऐसी वीडियो लाएँ उसका भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको लाइव डेमो के साथ दिखाते हैं कि आपको सब्सक्राइब बटन कैसे बनाना है। तो आइए सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि पहला रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं 16:9 का है, तो आपको इसी पर टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो जो कि मैं यहाँ पर अभी ले लूँगा, यहाँ पर जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपको उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं वो वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं वो जो कि वीडियो, यहाँ पर यही वीडियो है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, तो आपको इस वीडियो का लिंक जो कि मैंने बता दिया आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लाइड करना होगा, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा तभी आपके समझ में आएगा। वो भी मैं आपको नए तरीके से वो भी मोबाइल फ़ोन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो कि एनिमेशन लगा है यहाँ पर देख सकते हैं, आउट्रो का यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इंट्रो जो कि आउट्रो लगा है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इन एनिमेशन है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने चैनल का नेम लिखना होगा, यानी जिस नाम से आपको बना है चैनल। तो आपको यहाँ पर मैं जो कि टेस्ट पर जाना होगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा चैनल अतुल टेक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अतुल टेक, लेकिन यहाँ पर जो भी हाइड किया जाएगा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको जो कि इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो कि चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर चैनल का नाम लिखना है वो सेट कीजिए, चाहे आप लोगो सेट कीजिए। तो मैं यहाँ पर कोई एक जो कि बोल्ड स्टाइल मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने ब्लू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा है, लेकिन इससे पहले जो कि मुझे यहाँ पर देख सकते हैं चैनल का लोगो सेट करना है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। पहले मैं चैनल का लोगो सेट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने चैनल का लोगो यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर लेयर पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ भी आपके चैनल का लोगो हो आप वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं अपना लोगो यहाँ से पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, क्योंकि मेरा चैनल का लोगो इसी फोल्डर में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो मिल चुका है। तो यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना है, जो कि यहाँ पर क्रॉप में जाएंगे तो यहाँ पर इसको इनेबल करना होगा और शेप में आपको गोल शेप ले लेना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर गोल शेप ले लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको छोटा कर लेना है, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको जो कि इसका देख सकते हैं फीचर है, तो आपको यहाँ से इसको थोड़ा कम कर देना है जो कि देखने में अच्छा लगे। अब इसको आपको अपने हिसाब से और छोटा कर लेना होगा, जो कि यहाँ पर फिट बैठ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि गोला है इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर भी अभी फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं जो कि फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जाके एकदम सही हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने सेट कर दिया। अब बात करते हैं इसका एनिमेशन लगाने के लिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं तो एनिमेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जो कि एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। इन एनिमेशन है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये एनिमेशन नहीं है, तो ये एनिमेशन जाके चलेगा, लेकिन इसका जो कि स्पीड यहाँ पर थोड़ा को स्लो करना होगा, तभी यहाँ पर जो कि इसका जो कि लेंथ है थोड़ा और बढ़ा देना होगा। तो यहाँ पर मैंने लेंथ बढ़ा दी। अब यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अभी भी थोड़ा लेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी फिर से हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा लेट है, लेकिन यहाँ पर तब भी थोड़ा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा स्लो या फास्ट है। तो मैं इसको टाइमिंग को भी यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल टाइमिंग सही है लेकिन थोड़ा सा लेट है, तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यदि मैं एडजस्ट करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो यहाँ पर टेस्ट को भी आपको यहाँ पर मैं टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको भी कुछ ऐसा ही एनिमेशन इसमें भी लगाना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एनिमेशन जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशन लग चुका है और इसकी भी स्पीड जो कि 2 कर देते हैं। और उसके बाद आप फिर से वीडियो प्ले करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुछ ऐसा आपके सामने दिखाई देगा जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आउट एनिमेशन जो कि है, आउट एनिमेशन सेम इसी प्रकार इसका भी आपको जो कि आउटरो लगाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल के लिए ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
तो कितना लगाना होगा, तो यहाँ से आप अपना प्ले कर लीजिए वीडियो, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि आना होगा, उसके बाद आउटरो यहाँ पर जो कि आउट एनिमेशन है, तो आपको अपने हिसाब से लगा देना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाहे इसमें आप फीड भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, फीड भी वैसे सही है। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल के लिए फीड ही लगा दी, क्योंकि आउटरो है तो, क्योंकि एनिमेशन जो होता है वो देखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और आउटरो कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो प्ले की, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो आउटरो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जी हाँ, इसे आप सेव करने के लिए यहाँ से सीधा इंपोर्ट कर लीजिए। सो फिलहाल मैंने इस वीडियो में यही बताना था। तो फिर भी वीडियो संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आप सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। सो वीडियो संबंधित कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट जरूर पूछना, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।